नमस्कार, मैं गरिमा, स्वागत है आपका टाइम्स टुडे इंडिया में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ लेने के बाद ही प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला है, जिसके बाद इंदौर शहर की सड़कों पर जश्न का दौर शुरू हो गया है। साथ ही सड़कों पर उतरकर सरकार बनने का जश्न मनाते हुए बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने राहगीरों को मिठाई खिलाकर जश्न मनाते दिखे। महाराष्ट्र सरकार को लेकर भले ही शपथ ग्रहण मुंबई में हुआ हो, लेकिन मिनी मुंबई इंदौर की सड़कों पर जश्न का दौर शुरू हो चुका है। यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनने पर खुशी जताई। इंदौर के पश्चिम क्षेत्र के महुनाका में MIC मेंबर और बीजेपी पार्षद सुधीर देड़ंगे ने कार्यकर्ताओं के साथ जमकर आतिशबाजी की। वहीं शहर के पूर्वी क्षेत्र बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहे पर पार्षद संजय कटारिया और छत्रसाल मंडल द्वारा जश्न मनाया गया। ये भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। भले ही प्रदेश में बीजेपी सरकार ना हो, लेकिन निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर बरकरार है। साथ ही एक नई उम्मीद जग गई है कि निकाय चुनाव में बीजेपी का दबदबा होगा। भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में पुनः सरकार बनी है, हमको तो उस बात की खुशी है और हम उसका इजहार करने यहाँ हमारा छत्रसाल मंडल विधानसभा 5 और वार्ड 37 के सभी कार्यकर्ताओं के साथ उत्साह से यहाँ मिठाई वितरण कर रहे हैं। हमें तो उस बात की खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी की पुनः महाराष्ट्र में सरकार बनी है। कार्यकर्ताओं को विश्वास था कि बिल्कुल विश्वास था, कार्यकर्ताओं का विश्वास था, जनता को काफ़ी जनता ने विश्वास के साथ जो सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जनता में भी भारतीय जनता पार्टी को पुनः सरकार बनाने का विश्वास था। उसी आधार पर इतनी सीटें बनी और पुनः सरकार। शिवसेना साथ में नहीं, कुछ मलाल है। अब वो कारण जो भी हो, उस विषय में हमारे शीर्ष नेतृत्व जो है वही बोलेगा, उस विषय में हम कुछ नहीं। संजय कटारिया, पार्षद वार्ड क्रमांक 37। राजनीतिक चलने के बाद कि महाराष्ट्र की जनता ने पहले भी जनादेश जनता पार्टी को दिया, क्योंकि कुछ कारणवश इसमें लेट हो गए, पर यह स्पष्ट था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना है और वो बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी। आज इसी के उपलक्ष्य पे प्रसार मंडल पे यहाँ के मंडल अध्यक्ष राम बाबू यादव और यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद भाई संजय जी कटारिया, यहाँ के मोर्चा के अध्यक्ष, इन सब मिलकर इसी का इजहार करते हुए प्रसाद वितरण किया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर पूरे जोश खरोश के साथ मैदान में है। उसके साथ साथ इंदौर के अंदर जो भी निकाय चुनाव या मध्य प्रदेश के अंदर जो निकाय चुनाव है, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। ये कितनी भी गड़बड़ कर ले, चाहे परिसीमन के अंदर कर ले या फिर तोड़फोड़ के अंदर कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 5% 10% फर्क पड़ता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया। पिछले 20 साल का इतिहास उठाकर देख ले, इंदौर के अंदर चाहे केलाजी से लेकर उपा शशि जी, मोगे जी और मालिनी गोड़ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है पिछले 20 सालों के। आप इंदौर का इतिहास देख लो, उसी का परिणाम है कि हम 3 बार नंबर 1 आ रहे हैं। दिनेश सोनगरा, पूर्व मंडल से भारतीय रोल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में सरकार बनाई है, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश है। उसी के उपलक्ष्य में आज मध्य प्रदेश के इंदौर में और इंदौर की विधानसभा 5 में एक भारतीय जनता पार्टी के छत्रसाल मंडल ने यहाँ आज पार्षद संजय कटारिया जी, हमारे पूर्व मंडल के अध्यक्ष दिनेश सोनगरा जी और सभी कार्यकर्ताओं ने खुशी इजहार करते हुए मिठाई का वितरण किया है और भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में सत्ता में लौटी है। सब लाखों लाख कार्यकर्ताओं की मेहनत का ये फल लोगों को मिला। राम बाबू यादव, मंडल अध्यक्ष। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।